सभी सम्मानित दोस्तों का विनम्र भाव से ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार। आज हम हैं एक अद्भुत साधु के साथ जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानवता के लिए न्यौछावर कर दिया है। जीव जंतुओं के प्रति संरक्षण सेवा भाव के साथ साथ प्रकृति के लिए जीते हैं। ऐसे हैं आदरणीय श्याम साधु। हमें इस समय राय बरेली में आदि गंगा के किनारे, आदि गंगा का नाम आप सभी ने सुना होगा जिसे सई नदी के नाम से भी जाना जाता है। बाबा ने नदियों के पुनरोद्धार के लिए काफी संघर्ष किया है। गुरुजी से मैं जानना चाहूंगा इस नदी के लिए जिसका काला काला पानी आप देख रहे हैं, इसके लिए आपने क्या किया है? जी थोड़ा उठ के खड़े होइए, वो महिलाएं जो नहा रही हैं उसको भी बनाइए। चलिए, गंदे पानी में स्नान कर रही हैं जी। उन्हें क्या पता कि जहरीला पानी उनके जीवन के लिए किस प्रकार घातक होगा? जी बताएं। मैं यहाँ पर करीब करीब मान के चले हैं कि 80 के दशक से मैं यहाँ आ रहा हूँ, एक जमाना बीत गया। तो यहाँ आते रहे, ये काला काला पानी आप देख रहे हैं, काला पानी है एकदम, जो कीचड़ उचड़ बिल्कुल काले रंग का पानी है। यही पानी भोलेनाथ में लोग चढ़ाते हैं। इस नदी का महत्व है कि भगवान राम भी इसमें स्नान किए हैं और रामचरितमानस में इसका वर्णन है, यानी यह पौराणिक नदी है, आज की नहीं है। अब भगवान राम ने जिसको नहाया हो या किया हो, तो हम इसके लिए हमसे नहीं रहा गया, तो हम करते क्या रहे, एक पंथ दो काज, बंदरों के बीच में बैठ गए, बंदर भोज हो रहा और बैनर टांग के अनशन में बैठ जाते रहे। न कोई अरमीशन ना परमीशन की, कहां जंगल में कौन पूछने वाला। तो हमने 10-20 बार इसके नाम पर अनशन किया और सब कुछ किया, सबका प्रमाण है, बैनर हमारे पास रखे हुए। बंदर भी आपके साथ अनशन में बैठ गए थे एक बार? हाँ, मेरे सामने बंदरों को मैंने अनशन में बैठाया, तो 5 मिनट तो धैर्य रखे रहे। फिर बंदरों ने मन में आपस में कु अपनी भाषा में बोले, कह रहे बाबा का तो दिमाग खराब है, तो दिन भर मरेगा भूखे, अब हम इसके चक्कर में थोड़े भूख। 5 मिनट के बाद सारे बंदर हमको ढक लिए हैं और बाकायदे गंगा जी के नाम से अनशन तो बंदर के बीच में, सही के नाम से अनशन तो बंदर के बीच में, तो एक पंथ दो दो काज करते रहे। दिन भर मैं यहाँ रहता था, भूखे रहता था, शाम को मैं रवाना होता था। तो मैं 20 बार इसके नाम पर अनशन कर चुका हूँ। इधर दिखाइए, ये हम लोग नाव से गए हैं जहाँ से PGI का नाला इसमें डाला गया है। अच्छा, हाँ, PGI का नाला। अब वही PGI माने लखनऊ का? जी हाँ, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान। हाँ हाँ हाँ, वही तो उसका नाला। अब जब हमने हो हल्ला किया तो एक अखबारों में एक नौटंकी आई, वो पानी को रिफाइन करके डाला जा रहा है, तो फिर ये काला पानी क्यों है, क्यों काला पानी है, ये क्या नाटक हो रहा है? बड़ा सवाल खड़ा किया श्याम साधु ने कि यदि रिफाइन उसको किया जा रहा है, हाँ, तो काला तो पानी, काला पानी कहां से, ये कहां से आ रहा है? और हम नाव से गए थे, अब की बार जुबे जी आइएगा, हम नाव से आपको ले चलेंगे वहां जहां से वो नाला मिल रहा है। अब वो नाला के जहां से मिलता है उसके थोड़ा और आगे जाएंगे तो सही नदी के, यही नदी में आप पैसा फेंकिएगा, पैसा दिखाई पड़ेगा, इतना निर्मल जल है सही नदी का। लेकिन ये बताते चले, हरदोई से चल करके लखनऊ, नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, इन जनपदों को स्पर्श करते हुए जौनपुर के गोमती में अच्छा यह नदी मिलती है। अच्छा अच्छा, तो बड़ा ही पौराणिक महत्व है, जैसा कि बाबा ने बताया, भगवान राम ने स्वयं यहाँ विश्राम किया था, स्नान किया था, स्नान किया जिसका उल्लेख मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। हाँ, चौथे दिवस अयोध्या आयो सही नहायो, ये रामचरित मानस में है। तो अब की बार आएंगे तो नाव से जरूर चलिएगा, उसका भी दृश्य बनाया जाएगा। और उसके बगल में जहाँ ये PGI का नाला मिला, और उसके पहले बगल में गंगा इसी नदी को देखिएगा, लगेगा लाओ इसको हम इसको पी लें। देखिए बाबा, आपने यह संविधान में वर्णित फंडामेंटल ड्यूटी का पालन कर रहे हैं। संविधान में भी इस बात का उल्लेख किया गया है 51 में कि प्रत्येक नागरिक प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाएगा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेगा। तो आप तो महान हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं, देश भर की नदियों के लिए हमने भी किया है, कई प्रांतों में घूम करके अनशन किया है, लिखा पढ़ी किया है, लगातार लिखता पढ़ता रहता हूँ, जो भी पूछेगा तो अप्रमाण है, जैसा कि बाबा के पास है। अब कितना कोई सुनता है मैं नहीं जानता, लेकिन करने से रोकेगा कौन? बिल्कुल, 81 साल की उम्र में और यह जर्जर काया जो आप देख रहे हैं, यह दधीच की हड्डियां हैं। बाबा करते रहिए आप,
और एक न एक दिन बाहर कान जरूर सुनेंगे। ये भी दुबे अभी एक इनको पुल दिखाएंगे कि जिसके लिए मैंने YouTube पर डाला, इतना खतरनाक पुल है, कितनी उसमें लोग चोट खा गए, लोगों ने बताया एक आध लोग मर भी गए उसी के अंदर, और लेकिन आज तक वो पुल न बना, और छोटा सा पुल। मुश्किल धार्मिक मान्यताएं जो है, लोग सुबह सुबह स्नान कर रहे हैं, जबकि पानी जहरीला है, जहरीला काफी दूषित है, काला पानी है, लोगों ने भी गंदा किया है, केवल सरकारों को दोष क्यों दिया जाए। अब देखिए लोग भी काफी गंदे हैं, लैट्रीन बना है लेकिन सब लैट्रीन देख रहे हैं, सब लैट्रीन है यहाँ पर, सब पॉलिथीन फेंका है, कचरा फेंका है, तो उनके भी गुड सेंस की कामना करते हैं और जनप्रतिनिधियों के सद्बुद्धि की भी कामना की जाती है। यह नदी संभवतः लखनऊ और रायबरेली का विभाजन करती है। देखिए ये उस पार उन्नाव, आप ये आधी नदी, बीस से नदी उन्नाव की है, आधी नदी रायबरेली की है, और ये पुल जो है, ये पुल इसके उस पार लखनऊ है, उस पार ये रोड जा रहा है ना, ये पुलवा के नीचे जरा सा आगे घुसिए जरा सा तो आप लखनऊ जिले में। चलिए लखनऊ सांसद को भी आप जानते हैं, यहाँ की सांसद मैडम है उनको भी आप जानते हैं, सोनिया गांधी जी, उन्नाव के सांसद, सबके गुड सेंस की कामना हम सभी करते हैं इस मामले पर, एक ही हमाम में नहाए हुए यह सभी दिख रहे हैं। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं फिर दिखाते हैं जी। सादर प्रणाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय।